सर आप क्या कहना चाहोगे यहाँ पे? यही कहना चाहूँगा कि हालात देख लो, मुख्यमंत्री फिटर साहब आप सुन लो, बहुत हो गया है, युवा परेशान है, बुढ़िया है, छोटी बच्चियों के साथ आई हुई है, शर्म कर लो। जब इसी युवा ने आप लोगों को कुर्सी पे बैठाया था, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि भी आप कुर्सी के मतलब कि आसपास भी नहीं रहेगी। और ये पूरा पंचकूला में देखो, पूरा जो हरियाणा के बच्चे हैं इतना परेशान हो गए, चंडीगढ़ में आए हुए हैं, अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं दी तो ये सारे के सारे बच्चे अमरन अनशन पर बैठेंगे। ये लड़कियां सर बच्चों के साथ आई हैं और इतने सारे लड़के यहाँ पे आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आए हुए हैं, दो दो महीने छह महीने के बच्चे। तो सरकार इसमें क्या कुछ कर सकते हैं सर? सरकार कर सकते हैं, अगर सरकार चाहे तो ज्वाइनिंग अगर चाहे तो एक महीने के अंदर भी करवा सकते हैं, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। सरकार ऐसे ही चाहते कि युवा ऐसे ही रोडों के ऊपर भटके, वो ऐसे ही परेशान रहे। अब देखो आप एक लड़की को बेचारी सुबह से रो रही है, इसका मतलब कि घर भी कच्चा है, रहने को मकान नहीं है, मुश्किल से तैयारी करके इन्होंने यहाँ तक पहुँचे और अब सरकार इनको रोड पे बैठा के देती है। तो सर आप इनके समर्थन में आए हैं? बिल्कुल, हम इनके समर्थन में है, सारे के सारे अध्यापक इन लोगों के साथ में है और जब तक के बच्चे यहाँ पर रहेंगे इनके साथ में। ग्रेवाल सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले हालात देखो क्या हालात क्या हो रहे हैं। बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बची है ना, एक बार इन बच्चों को देखो यार, बेहोश होगी सर लड़की। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये लड़की सुबह से रोजगारी है, मैं इसकी सुबह से देख रहा हूँ और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए हुए हैं यार। बिल्कुल, कम से कम एटलीस्ट इनके बारे में तो सोच लो यार। सर आपको किसने बुलाया यहाँ पे सर? हमें किसी ने नहीं बुलाया, हम अपनी तरफ से आए कि बच्चों की हालत देख के बार बार ये चीज हमसे देखती नहीं जा रही कि वो क्या रहा है। कितने दिन हो गए सर इनको धरने बैठे हुए? यही कह रहा हूँ सरकार को सूद लेनी चाहिए ना इन चीजों के ऊपर, क्या रहा है सर? लेकिन इतने दिन से कंटिन्यू बच्चे बैठे हुए हैं, अब इनकी तो सुन लो, जमीन के बारे में थोड़ा को ये चीज जानने। अब आप मेरिट के ऊपर बोलते हो तो ये तो आपके सिलेक्ट किए हुए बच्चे हैं ना मेरिट के ऊपर। एक बार इन गुड़िया की तरफ देखो, देखो जी सर ये हालत खराब है कि गुड़िया को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है, बुरा उसके बावजूद कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो, कमाल की बात है भाई। चरम सीमा पे है सर बेरोजगारी हरियाणा में, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? बेरोजगारी जो है हरियाणा में चरम सीमा पे, बेरोजगारी है ना, वो सारा का सारा जो मनोहर लाल की जो मंत्रिमंडल की गलत पॉलिसियों का रिजल्ट है। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता कि कई साल पहले तक हम हरियाणा में टॉप में हर जगह पे, आज हर मामले में पीछे पिछड़ते हुए जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग न होने का कानून की पॉलिसी ही है, सारे के सारे मुद्दे जोड़ते हुए पुलिस। इन बच्चों के साथ आपका क्या सहयोग रहेगा सर? बच्चों के लिए सहयोग, बच्चों के लिए बिल्कुल तन मन धन से हम इनके साथ है और जो भी बच्चों को चाहिए होगा हम बिल्कुल और जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। जी सर, धन्यवाद।